हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षास किचन। फ्रेंड्स, मैं गर्मी के सीजन में ज़्यादातर पिए जाने वाली जो मिरिंडा और स्लाइस जैसी मैंगो फ्रूटी रहती है, तो आज मैं आपके लिए वही घर पर ही होममेड में अब अच्छे से एकदम से टेस्टी मैंगो फ्रूटी बनाने वाली हूँ। इसकी रेसिपी के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक बड़ा वाला इस तरीके का मैंने मैंगो लिया है, और साथ में वो पका हुआ मैंगो है और आम है, और इसके साथ में मैंने यहाँ पर कच्चा आम लिया है। अगर माप में देखा जाए तो हमारा जो पका हुआ आम रहेगा उसका आधा हमें पीसीस में छोटा कच्चा आम लेना है। और फिर इसके साथ में मैंने 3/4 जितना इतना मैंने यहाँ पे चीनी लिया है। इसके साथ में 1 बड़ा टेबल स्पून जितना हमें विनेगर लगेगा, तो जब मैं बनाते जाऊँगी ना तब भी डालेंगे। बस इन 3 ही चीज़ों से हम एकदम से टेस्टी और बाजार से भी अच्छी हम मैंगो फ्रूटी बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम कर लेते हैं इसका छिलका निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास इतनी अच्छी रेसिपी सब रहती है, हम चाहे तो कोई भी चीज़ जो बाज़ार में मिलती है उससे भी अच्छे हम घर पर बना सकते हैं। हाँ, थोड़ी मेहनत लग जाती है, लेकिन मेहनत से ही हमें हाइजीनिक और सारी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। इसे साइड पे रख के पीसेस कर लेते हैं। अभी कच्चा हमारा जो आम है उसका भी पीसेस कर लेते हैं। कच्चे आम को भी मैंने पीस लिया है। फ्रेंड्स, इसके जो पीसेस करने हैं छोटे बड़े ऐसे तरह के, मीडियम भी कोई भी साइज़ के आप पास, ज़्यादा बड़े मत करिएगा, मीडियम और छोटे वाले कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने पीसेस कर लिए। अभी हमें इसका पल्प कर लेना है, तो हम पहले एक मिक्सर जार ले लेते हैं। जार के अंदर हम सारे जो हमारे आम के पीसेस हैं उसे डाल देंगे। फ्रेंड्स, और इसके अंदर हमें 1 ग्लास के आसपास उतना हमें पानी डाल देना है। ये नॉर्मल मैंने रूम टेम्परेचर वाला ही पानी लिया है फ्रेंड्स, ताकि हम जो हमारा ये पल्प करना है, मतलब इसको पिसना है, वो ठीक से अच्छे से हो जाए, क्योंकि बाद में इसे हमें पकाना भी है और छानना भी है। तो छानने के लिए इसको पूरा बेस मिल जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 ग्लास पानी लिया है, नॉर्मल पानी जो रूम टेम्परेचर के हिसाब से रहता है वही। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। देख लेते हैं फ्रेंड्स, मैंने 1 ग्लास पानी के अंदर ये सब कर लिया है, ये आप देखिए हो चुका है। अभी हमें इसको छानना है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर हमें 1 ग्लास पानी और लगा देना है और छान लेंगे अभी इसको हम मिक्स करते हुए, क्योंकि अभी इसको पकाना है। तो चलिए अभी इसको छान लेते हैं। छानने के फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से तपेली ली है, अभी छलनी रख लेंगे, और जो हमारा मिक्सर है कच्चे और पक्के आम का, उसको मिक्स करते हुए कर लेंगे। ये देखिए, ये वजह इसलिए है कि फ्रेंड्स, अगर उसके अंदर कुछ रेसे आ जाते हैं और गाढ़ापन रह जाता है, या फिर कोई टुकड़ा भी रह जाता है, तो हम इसे निकाल सकते हैं। मैं पूरे सारे इस तरीके से कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारा मैंने कर लिया है, लेकिन कच्चे आम की वजह से जो थोड़ा सा भी पल्प रह जाता है वो है। फ्रेंड्स, इस पल्प को आप जो सब्ज़ी बनाते हैं तो रख लीजिएगा, उसमें डाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से दरदरा रह गया है, और हमारा नीचे का बेस जो है वो आप मैं बता देती हूँ। ये देखिए, एकदम से
बिना छिलके वाला और बिना जो रेसे रहते हैं उसके वाला है। चले फ्रेंड्स, अभी हम इसको पकाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स मैं एक गैस पर पैन लगा लेती हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने पैन लगा लिया है और अभी हमें गैस को चालू नहीं करना है। पहले थोड़ा सा पानी डाल देंगे और हमने जो आम का पल्प बना लिया है वो इसमें डाल देना है। फ्रेंड्स मैंने अभी गैस को चालू नहीं किया है, पूरा जो रस है वो इसमें आ जाना चाहिए। अब गैस को एकदम से मीडियम आंच पर हम चालू रखेंगे। मीडियम आंच रखनी है फ्रेंड्स और इसको मिक्स करते हुए पकाते जाएंगे। पानी जो हमने डाले हैं उसके साथ में हमें पकाना है। पकाने का मतलब ये है कि जैसे ही बेस बनेगा हमें समझ में आ जाता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, पूरा पानी रिड्यूस हो जाएगा और जो आम का पल्प जो हमारा है वो थोड़ा थिकनेस वाला हो जाएगा। हमें उतना भी थिकनेस वाला नहीं करना है कि गड्ढे पड़ जाए। मिक्स मिक्स करते रहिएगा। और फ्रेंड्स मैंने गैस की आँच को मीडियम रखा है। मिक्स करते हुए गर्म कीजिएगा। पकाने की वजह ये है फ्रेंड्स कि जैसे हम अपने फ्रूटी को स्टोर करेंगे, एक समझिए ज़्यादा बनाइए, इंस्टेंट बना के देते हैं तो चलो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए या दो दिन के लिए या थोड़ा पूरे गर्मियों के सीज़न के लिए हमें स्टोर करना है तो पकाने से इसका पूरा बेस अच्छा रहेगा और बिगड़ती नहीं है, इसलिए मिक्स करते हुए उसको पकाते जाएंगे। फ्रेंड्स आम के टुकड़े जो हमने कर लिए थे उसको इस तरीके से गर्म करने के, गर्म के साथ में बॉईल करके और फिर थोड़ा सा पका के उसका बेस बना के भी आप कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि जो हमारे रेसे हैं ना वो भी साथ में पक जाते हैं और रेसे का जो कच्चापन थोड़ा सा रहता है वो हमारे इस टेस्ट में आ जाते हैं। और मैंने दोनों तरीके से बनाया हुआ था तो लेकिन मुझे ये वाला तरीका अच्छा लगा और टेस्टी रहा है, इसलिए मैंने यही रेसिपी आपको बताने की समझ में रखी। वरना वो जो काफ़ी सारे मैंने वीडियोस भी देखे हैं कि और वो देख के भी मैंने एक बार ट्राई कर लिया कि चलो आम के जो पीसेस करके लेते हैं वो पहले उसको पका लेते हैं फिर उसको ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन इससे मुझे वो ये करके जो मुझे अच्छे से फ्रूटी का बेस और टेस्ट मिला है वो उसमें से मुझे नहीं मिला था। तो जो सही रहता है वही मुझे आपको भी बताना चाहिए, वही मैं घर में इस्तेमाल करती हूँ। तो सीधी सी बात है, आप लोग भी मेरे ही घर के मेंबर हैं, तो जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो मेरे घर के मेंबर हैं, नहीं देख रहे वो भी घर के मेंबर हैं, तो मुझे सही मायने में जो सही रेसिपी रहती है वही बतानी चाहिए। इसलिए मैंने इस तरीके से पल्प को पहले मैंने कर लिया है फिर उसको पकाते हैं। मिक्स करते रहेंगे फ्रेंड्स। अभी देखिए बुलबुले भी आने शुरू हो चुके हैं। फ्रेंड्स कैसे हमारा आम पकता है वो देखने के लिए देखिए, आप जैसे शुरू शुरू में पानी डाला है तो पानी की वजह से लिक्विड से पूरा मिक्सर एकदम से प्रवाही में रूप में रहा था, लिक्विड फॉर्म में रहा था, ठीक है। अब जैसे हम पकाते जाएंगे तो देखिए गाढ़ापन लेता जाता है, तो इस तरीके से हमें पकाते हुए उसको करना है। ये देखिए गाढ़ापन होता रहता है, जैसे ही पानी हमने जो डाला है ना वो रिड्यूस हो जाएगा और आम के अंदर भी खट्टा पानी ही रहता है, लेकिन वो हमें चाहिए, हमें जो हमने अभी पानी जो डाला है वो हमें नहीं वो निकाल लेना है, वो हमें नहीं चाहिए। इसके लिए ये देखिए पूरा गाढ़ा होता जाता है थोड़े थोड़े से, तो आपको पता चल जाएगा। इसे मिक्स करते हुए उसको पकाते रहिए, कम से कम 2 से 3 मिनट तो होता है। मैं कन्फर्मेशन नहीं कहती क्योंकि ज़्यादातर क्या है टाइम पे ही रहता है, अगर हम बता देते हैं कि 2 से 3 मिनट से हो जाता है, लेकिन आपकी गैस की आँच, मेरी यहाँ पर जो मीडियम मैंने रखी है वो अगर आपके वहाँ पर ठंड मतलब मीडियम से ज़्यादा स्लो रहती है तो पकने में थोड़ा टाइम लेता है, और अगर हाई रह जाती है तो भी थोड़ा पकने में ज़्यादा जल्दी हो जाता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर अगर कोई भी रेसिपी बनाती हूँ तो पकाने के टाइम पे बताती हूँ कि 2-3 मिनट लगती है, 5-7 मिनट लगती है, लेकिन साथ में ये भी बता देती हूँ कि आप इस तरीके से भी जो टिप्स रहती है कि सही मायने में वो पका है कि नहीं वो देखने के लिए। तो जैसे अभी देखो आप गाढ़ापन होता जाता है, ये बेस रहता है हमारा कि हमारा आम पक रहा है। ऐसे मिक्स करते रहिए, स्मेल भी इतनी अच्छी आ रही है फ्रेंड्स, और समर वेकेशन पे फ्रूटी और वो भी घर पे, मेंबर्स भी आते हैं हमारे, मतलब मेहमान जो गेस्ट आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, उनको इस तरीके से सारा दिन कुछ ना कुछ करके दिखा खिलाएंगे पिलाएंगे तो बहुत ही खुश रहते हैं, उनको अच्छा भी लगता है। हर बार वो वैकेशन में हमारे आना, घर पर आना ज़्यादा पसंद करेंगे फिर तो। वैसे भी आते हैं जो रिलेटिव्स रहते हैं वो वैकेशन पर आते ही है, कुछ ना कुछ रहता है तो भी आते हैं, लेकिन इस तरीके का किया हुआ हमारा उनका ये जो इन्विटेशन जो दिया है और जो हमने अपने घर पर बुलाए हैं या वो आए हैं तो ऐसे उनको तारीफ मिल जाती है और अच्छा लगता है। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स होता जा रहा है। फ्रेंड्स अभी इसके अंदर हमें
हमारी चीनी को डाल देना है और इसे भी मिक्स कर लेंगे। चीनी में से भी ज़्यादातर पानी में घुल जाएगा, पानी निकलते हो गए, ऐसे कर लेना है, मिक्स कर लेंगे अब इसे। जैसे ही चीनी हमारी घुल जाएगी तो और थोड़ा सा थिकनेस वाला हो जाएगा। फ्रेंड्स आप इसे चक्कर भी टेस्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा खट्टापन है या मीठापन है, उस हिसाब से भी आप चीनी डाल सकते हैं। मैंने जितनी भी बार बनाई है इसी माप से बनाई है, इसीलिए मैंने वही माप आपको बताया है। सभी गैस की आंच हमें धीमी कर लेनी है और पकाएंगे इसे। सबके इसके अंदर हमें एक नींबू के रस को लगा देना है, इसमें डाल देंगे। अगर आप नींबू के रस को अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए ज़रूरी रहता है। और एक बड़ी टेबलस्पून हमें विनेगर लगा देना है, इसमें डाल देंगे, मिक्स कर देंगे इसको। जैसे ही विनेगर डालते हैं देखिए टेस्ट में चेंज हो जाएगा। ऐसे जैसे साथ में गर्म होता है उसी के साथ में फ्रेंड्स हमें एक बड़ा ग्लास और पानी लगा देना है और हिलाते रहिएगा। देखिए हो चुकी है हमारी, बस पानी थोड़ा सा गर्म कर लेना है, उस तरीके से ही पकाना है। अभी मैंने गैस की आंच फ्रेंड्स एकदम से धीमी कर ली, आपको बता दिया, मिक्स कर लेंगे इसे ठीक से। और जो हमारा पल्प का बेस के साथ में पानी के साथ में मिक्स हो जाए बस उतना ही बॉईल करना है। विनेगर डालने से स्टोर में ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ी सी जो हमें ग्रेवी में जैसे मतलब आम है पल्प जो है वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, और हमें स्टोर करने में रखना है तो भी अच्छे से रख सकते हैं। मिक्स कर लेंगे, और मैंने बताया आप एक बार टेस्ट जरूर से कर लीजिएगा, चीनी आपको कम लगती है और अगर खट्टापन थोड़ा और चाहिए तो आप नींबू भी डाल सकते हैं इसमें अंदर, उस तरीके से टेस्ट जरूर से कर लीजिएगा। बस मैंने भी टेस्ट कर लिया, बहुत ही टेस्टफुल बनी है फ्रूटी हमारी मैंगो फ्रूटी। फ्रेंड्स अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और इसको हमें रूम टेम्परेचर में, आप चाहे तो अलग से पैन में रख कर उसको ठंडा कर लीजिएगा, और इसी के अंदर करना चाहते हैं ठंडा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अगर बर्तन ज़्यादा बिगाड़ना नहीं है तो ठीक है इसी में कर लीजिएगा। मैं फ्रेंड्स इसको एक इसी बर्तन में रखूँगी, फिर बाद में इसे मैं कूल करने के लिए इसे फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं फ्रेंड्स, फ्रिज में रखना है, ताकि जब सर्व करें तो एकदम से ठंडा ठंडा हम उसको सर्व कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स गैस को भी मैं बंद कर लेती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख लेती हूँ। फ्रेंड्स इसको अभी हमें छानने की कोई ज़रूरत नहीं, देखिए एकदम से टेस्टफुल हो चुका है। इसको फिर मैं बाद में बस 5-7 मिनट रूम टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा तभी उसको फ्रिज में रख लूँगी। इसे सर्व करने के लिए फ्रेंड्स मैंने देखिए इसे किस जार में और बाउल में रख लिया है, अभी हम सर्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स रेडी है टेस्टफुल हेल्थी और होम मेड हमारी मैंगो फ्रूटी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट में भी ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू।